क्लिसेल कौन थी? यहूदी मैक्स कैसे बच गया? क्लिसेल कहां से बुक चुराती थी? आज हम बात करने जा रहे हैं 2013 में रिलीज हुई फिल्म द बुक थीफ की। फिल्म का शुरुआती सीन जमीन के ऊपर बादलों से शुरू होता है और एक मेल नरेटर की आवाज सुनाई देती है कि कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता है, चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। मेरी सलाह है कि किसी भी स्थिति में घबराए नहीं। अब एक ट्रेन बर्फ के मैदान से गुजरती हुई दिखाई देती है और इसमें मुख्य कैरेक्टर लिसेल बैठी होती है। यह युग नाजी जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध है। लिसेल ट्रेन में अपने छोटे भाई की मौत को देखती है, जिसे एक जगह पर दफना दिया जाता है। अब जर्मनी में 1938 का समय दिखाया गया है और एक कार में बैठी लिसेल बर्फ के मैदान से गुजरती है। वास्तव में वो अपने नए माता पिता के पास जा रही है। माँ का नाम रोजा और पिता का नाम हैंस है। वो अपने घर पहुंचती है। अगली सुबह हैंस एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहा है। लिसेल के नीचे आने पर उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। रोजा लिसेल से कहती है कि तुम्हें मुझे मॉम और हैंस को पापा कहना है। थोड़ी देर बाद कोई दरवाजा खटखटाता है, जहां रूडी नाम का एक बच्चा होता है। बाद में वह लिसेल का सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। लिसेल रूडी के साथ स्कूल जाती है। जब रूडी और लिसेल स्कूल पहुंचते हैं और क्लास में जाते हैं, जहां वे टीचर के सामने खड़े बच्चों को पाते हैं। टीचर लिसेल का नाम पूछती है और उसे चौक देती है ताकि वो बोर्ड पर अपना नाम लिख सके। लिसेल अनपढ़ है, इसलिए वो बोर्ड पर 3 क्रॉस बना देती है, जहां से पता चलता है कि लिसेल को लिखना नहीं आता है। सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन टीचर हर किसी को साइलेंस रहने को कहती है और लिसेल को अपनी सीट पर जाने के लिए कहती है। इसके बाद लिसेल घर वापस आ जाती है और उसकी माँ उसे अंदर ले जाती है। रात में लिसेल के पापा उसे गुड नाइट कहते हैं और देखते हैं कि लिसेल के पास एक किताब है। हैंस पूछता है, क्या यह वास्तव में तुम्हारा है? लिसेल ने जवाब दिया, यह हमेशा से मेरी है, यह मेरे भाई की है। फिर वो पूछता है, क्या आप जानते हैं कि यहाँ क्या लिखा गया है? इस पर लिसेल नहीं कहती है, क्योंकि वो पढ़ना नहीं जानती है। हैंस कहता है, मैं एक अच्छा रीडर नहीं हूँ, फिर भी चलो शुरू करते हैं। इसके बाद वो किताब पढ़ते हैं। अगली सुबह लिसेल सब बच्चों के साथ यूनिफॉर्म पहने जर्मन्स के बारे में एक सॉन्ग गाते हैं। इसी बीच नवंबर 1938 का समय दिखाया गया है, जहां सेना एक बाजार में खिड़की के शीशों को तोड़ रहे हैं और लोगों पर वायलेंस कर रहे हैं। अब किसी घर का दरवाजा किसी के द्वारा खटखटाया जाता है और मैक्स नाम का एक नया किरदार सामने आता है। वो एक यहूदी होता है। वह सैनिकों से बच जाता है। फिर लिसेल हाउस को फिर से दिखाया गया है, जहां लिसेल के पिता हैंस उसे पढ़ना सिखाते हैं और कहते हैं, मुझसे प्रॉमिस करो कि मेरे मरने के बाद मुझे ठीक से दफनाया जाएगा। फिर हैंस उसके साथ आने के लिए कहकर उससे किताब लेता है, कहता है तुम्हारे लिए सरप्राइज है, और लिसेल को बेसमेंट में लाता है, जहां दीवार पर अल्फाबेट्स लिखे होते हैं। इसे डिक्शनरी कहते हुए वो उसे एक चौक सौंपता है और शब्दों को यहां लिखने की अनुमति देता है। लिसेल को पढ़ने और लिखने का शौक है, इसलिए वो खुश हो जाती है। लिसेल कहती है, थैंक यू डैड। इसके बाद कोई हैंस के घर का कोई दरवाजा खटखटाता है, जहां कोई हैंस को ले जाने के लिए आता है। हैंस लिसेल को जल्दी से आने के लिए कहता है, अन्यथा हम परेड को मिस कर देंगे। यह रात का समय है। सभी शहर के लोग एक ऐसी जगह पर इकट्ठे होते हैं, जहां एक सेना अधिकारी स्पीच दे रहा है। वे कहता है कि राष्ट्रीय समाजवादी क्रांति के दौरान हमारे राष्ट्र को कम नहीं किया जाना चाहिए। हमारा डिटर्मिनेशन खुद को नैतिक और बौद्धिक रूप से साफ करना है। शिक्षा, थिएटर, साहित्य, फिल्म और प्रेस सभी सहायक स्तंभ हैं, जो हमारे राष्ट्र के व्यक्तित्व को आकार दे सकते हैं। यह हमारी सभा का कारण है, ताकि हम खुद को बौद्धिक गंदगी से मुक्त कर सकें। फिर वे किताबों के ढेर को जला देते हैं, जो उनके बीच में रखा गया था, और वो कहते हैं, हमें उस बीमारी को जड़ से खत्म करना होगा, जिसने पिछले 20 वर्षों से जर्मनी को संक्रमित किया है। युद्ध होने पर हम अपने शत्रु का सामना करेंगे और अंतिम विजय प्राप्त होने तक हमारे भविष्य के लिए खड़े होंगे। ऐसी लड़ाई हमारे दुश्मन को नष्ट कर देगी। लिसेल इसे ध्यान से सुनती है और सभी लोग एक साथ आवाज लगा रहे होते हैं। अधिकारी का कहना है कि हम कम्युनिस्टों और यहूदियों को भी समाप्त कर देंगे। फिर वो महान जर्मन एडोल्फ हिटलर का नारा लगाते हैं। उसके बाद सभी लोग अपने हाथों को सीधा करते हुए गाना गाते हैं। थोड़ी देर के बाद हर कोई वहां से चला जाता है। लिसेल जल रही किताबों की जगह पर जाती है और एक गिरी हुई किताब को अपने कोट में छिपा लेती है। वहां आकर हैंस कहता है कि मैंने तुम्हें चर्च में मुझसे मिलने के लिए कहा था। लिसेल सॉरी डैड कहती है। किताबों के पन्ने हर जगह बिखरे पड़े हैं। लिसेल खांसती है, क्योंकि थोड़ी जली हुई किताब उसके कोट में है। हैंस इसके बारे में जान जाता है और कहता है, हम इसे सीक्रेट रखेंगे और इसे तहखाने में जाकर अन्य पुस्तकों की तरह पढ़ेंगे। लिसेल खुश हो जाती है और पूछती है कि क्या मेरी असली माँ कम्युनिस्ट थी? क्या वो हिटलर था जिसने मेरी माँ को मार डाला था? उन्होंने कहा कि मैं हिटलर से नफरत करता हूँ। हैंस किसी के सामने भी यह कहने से मना करता है। घर आकर लिसेल उस किताब का नाम द इनविजिबल मैन पढ़ती है, जो H.G. Wells ने लिखी है। फिर कोई अचानक से दरवाजे पर दस्तक देता है। वास्तव में वो वही कैरेक्टर मैक्स है, जो पहला यहूदी सेनानी है। वो घबराई हुई हालत में मदद मांगता है। रोजा और हैंस उसे ऊपर जाने का सुझाव देते हैं। हैंस लिसेल को बताता है कि मैक्स के पिता मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान करते हुए युद्ध में मर गए और मैं उसके परिवार का ऋणी हूँ। फिर वो लिसेल से कहता है, मुझे प्रॉमिस दो कि तुम हमारे विजिटर्स के बारे में किसी को नहीं बताओगे और यहाँ तक कि अपनी आत्मा को भी नहीं।
लिसेल वादा देती है और अगले दिन स्कूल जाती है। स्कूल के बाद रूडी के साथ खेलते हुए वो अपने घर आती है। जब यहूदी मैक्स रात में सो रहा होता है और उसके हाथ में एक किताब होती है, लिसेल किताब लेने लगती है। अचानक मैक्स जागता है और उसे एक जिज्ञासु लड़की कहता है। वो किताब के बारे में पूछते हुए किताब वापस कर देती है। मैक्स कहता है, यह हिटलर के बारे में है। लिसेल पूछती है, क्या आप खुद को हिटलर से छिपा रहे हैं? क्या आप कम्युनिस्ट हैं? क्या उन्होंने आपकी माँ को मार डाला है? इस पर मैक्स जवाब देता है, नहीं, मैं यहूदी हूँ। अगली सुबह रोजा लिसेल के पास आती है, उसे कुछ कपड़े धोने का काम सौंपती है और एक घर में जाने के लिए कहती है। थोड़ी देर में वो रूडी को लेकर उस घर में पहुंच जाती है, जहां एक बूढ़ी औरत इल्सा है, जो उसे अपनी लाइब्रेरी में ले जाने के अंदर बुलाती है, क्योंकि वो जान जाती है कि लिसेल को सीखने पढ़ने का शौक है। पुस्तकों को छूते हुए लिसेल खुशी महसूस करती है और द ड्रीम करियर नाम की एक किताब लेती है। उसे फिर याद आता है कि रूडी उसके लिए बाहर इंतजार कर रहा है, इसलिए वो बूढ़ी महिला इल्सा को बताकर चली जाती है। लेकिन बूढ़ी औरत इल्सा उसे किसी भी समय पुस्तक पढ़ने के लिए आने की कहती है। अब मैक्स को बेसमेंट में दिखाया गया है, क्योंकि परिवार को सैनिकों के छापे का डर है, क्योंकि मैक्स यहूदी है। लिसेल भी तहखाने में जाती है और किताब पढ़ना जारी रखती है, और एक नया शब्द जो उसे मुश्किल लगता है वो हमेशा बेसमेंट की दीवार पर चौक के साथ लिखती है। मैक्स उससे पूछता, आपको ये शब्द कहाँ मिलते हैं? उस पर लिसेल इसे एक सीक्रेट कहती है। बाद में वो उस जगह का खुलासा करती है जहाँ वो पुस्तक पढ़ने के लिए जाती है और इसे याद करती है। इसके बाद मैक्स लिसेल को एक किताब गिफ्ट में देता है। वो बताते हैं, मैंने अपने धर्म से सीखा है कि हर जीवित प्राणी, हर पत्ती और हर पक्षी जिंदा है क्योंकि उनके पास जीवन के लिए सीक्रेट शब्द हैं। शब्द मायने रखते हैं, शब्द ही जीवन है। धीरे धीरे बर्फबारी से ठंड बढ़ जाती है और बेसमेंट के ठंडे तापमान के कारण मैक्स बीमार पड़ जाता है। अब लिसेल सोचती है कि मैक्स मर जाएगा और अपने मरे हुए भाई की फोटो को उस पर रखती है और हमेशा की तरह किताबें पढ़ती है। H.G. वेल्स द्वारा द इनविजिबल मैन एक अजनबी फरवरी यानी बर्फ गिरने वाले दिनों में यहां आया था। जब तक वो मर नहीं जाता तब तक कोई उसके बारे में नहीं जान सकता था। बाद में लिसेल खिड़की के माध्यम से ओल्ड लेडी के घर किताबें पढ़ने जाती है और एक किताब चुरा लेती है, क्योंकि इल्सा के पति उसे कपड़े धोने की सेवाओं का उपयोग करने से मना करते हैं। समय बीतने के साथ वह लाइब्रेरी से एक छिपे हुए तरीके से एक एक करके किताबें चुराना जारी रखती है और रूडी भी इसके बारे में जानता है, लेकिन वो कहती है, मैंने केवल उधार लिया है। उसके बाद लिसेल ने रूडी को मैक्स के बारे में भी बता दिया। अब कई सैनिक यहूदी या कम्युनिस्ट उपस्थिति की जांच के लिए इस क्षेत्र में अपनी यात्रा करते हैं। लिसेल का परिवार सतर्क रहता है। रात में क्षेत्र के लोग सैनिकों के छापे पर अपने बैग के साथ बाहर आने के साथ एक जगह पर चले जाते हैं। घर पर मैक्स को छोड़कर लिसेल के साथ रोजा और हैंस भी उस जगह पर छिपते हैं, लेकिन मैक्स घर से बाहर आता है और खुशी महसूस करता है। मैक्स आसमान में तारों को देखता है, तभी सोल्जर की वेन आ जाती है और वो खुद को जल्दी से छुपा लेता है। वो अगले दिन हैंस का घर छोड़ने का फैसला करता है ताकि इस परिवार को उसकी उपस्थिति के कारण नुकसान ना हो। लिसेल मैक्स के जाने पर दुखी हो जाती है। मैक्स रात के अंधेरे में घर छोड़ देता है। लिसेल बहुत रोती है, रोजा और हैंस भी परेशान है। फिर अगले दिन यह भी पता चलता है कि लिसेल के सबसे अच्छे दोस्त रूडी को भी एलीट ट्रेनिंग के लिए चुना गया है, जो गर्मियों में शुरू होगी। इस बीच हैंस को सेना द्वारा एक पद भी प्राप्त होता है। लिसेल कहती है, हर कोई जा रहा है। हैंस अपनी माँ रोजा की देखभाल करने की सलाह लिसेल को देता है क्योंकि वो स्ट्रांग नहीं है। फिर हैंस भी चला जाता है। एक लंबे समय के बाद लिसेल सीढ़ियों पर एक किताब पकड़े हुए बैठी है। कुछ ही देर में रेंजर वैन वहां पहुंचती है और हैंस आ जाता है। लिसेल उसे देखकर खुश हो जाती है और डेट कहकर कहती है कि क्या आप घर वापस आ गए हैं। अपने घर में बैठा है हैंस लिसेल के साथ बात करता है। लिसेल कहती है, मैं मैक्स के बारे में सोच रही थी कि वो कहां है। हैंस भी यही कहते हैं। इस तरह युद्ध फिर से शुरू हो जाता है क्योंकि ये युद्ध के दिन है। अगले दिन सब कुछ नष्ट हो जाता है, घरों को धूल में धराशायी कर दिया जाता है, शव हर जगह बिखरे पड़े हैं, सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो गया है। एक जीवित लड़की को सैनिकों द्वारा एक जगह के नीचे से निकाला जाता है। वो लिसेल है जो बच गई है, और वो घायल हो जाती है और वो बाहर आते ही माँ पापा कहती है, लेकिन उसका परिवार अब नहीं रहा। रोजा हैंस और रूडी सभी मर चुके हैं। तब लिसेल बेहोश हो जाती है। होश में आकर वह ईंटों के नीचे एक किताब पाती है। उसी समय बूढ़ी महिला इल्सा अपनी कार में वहां पहुंचती है, जिसके घर लिसेल किताब चोरी करने के लिए जाती थी। दौड़ते हुए वो उस महिला को गले लगाती है। 2 साल बाद लिसेल दर्जी की दुकान में काम करते दिखाया गया है, जो कि रूडी का पिता है। फिर वह दरवाजे पर मैक्स की देखती है और वह उसे खुशी से गले मिलती है। अब 1945 का समय दिखाया गया है। संयुक्त राज्य के सैनिकों ने जर्मनी पर कब्जा कर लिया है। अब कहानी अपने अंत की ओर बढ़ती है। अब बादल का वही सीन दोबारा से दिखाया जाता है जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। मेल नरेटर की आवाज सुनाई देती है, मैंने महान चीजों का सामना करना पड़ा। मैंने दुनिया के सबसे खराब विनाश में भाग लिया है। मैंने महान चमत्कार भी देखे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। अंत में मैं लिसेल के पास पहुंचा। मैंने खुदगर्जी वाली खुशी महसूस की, क्योंकि इन 90 वर्षों के दौरान उसने बुद्धिमानी से जीवन बिताया था। उनकी कहानियों ने कई लोगों की आत्मा को छुआ।
मैक्स की दोस्ती लिसेल की तरह ही लंबी रही। लिसेल की आखिरी सोचों में कई जिंदगियों को देखा, उसके तीन बच्चे और हैंस, रोजा और रूडी के साथ और अपने पोते को भी देखा। अंत में शांति के अलावा कोई शब्द नहीं थे।